సౌజన్ ఆర్టీఓ గారు ఆ ట్రీ పాడ్ మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే గారికి ఇచ్చేస్తున్నారు. టీవీలో సౌజన్ ఎంబీఏ గారు ఎమ్మెల్యే సాఫ్కి ట్రీ ఇచ్చేస్తున్నారు. మన కౌన్సిలర్ సాఫ్ వాప్ సాఫ్ గారికి టీవీ రావు గారు ట్రీ, ఎంబీఏ గారు జ్ఞానేశ్వర్ సాఫ్ గారు ప్రారంభం కరింగే ప్లీజ్ బై సాబ్ పిచ్చే బై జాం సర్కల్ ఇన్స్పెక్టర్ సార్ రుద్ర భాస్కర్ సార్ని వేదిక పైకి రాగలని కోరుచున్నాను సార్. इस अवेयरनेस का ये जो प्रोग्राम है ट्रैफिक का, इसको कामयाब करना होगा. और मैं हमारे आरटीए ऑफिस और के लोगों से भी कहूँगा कि आप प्लीज आइडेंटिफाई करिए जितने स्कूल हैं ये एरियाज में. तो ये प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं होना चाहिए. आरटीए ऑफिस के एक दो लोगों को एक 15 दिन के लिए आप डिप्यूट कर दीजिए. जितने स्कूल हैं ये पूरे स्कूल्स को कवर करना और हर स्कूल में जाके रोड सेफ्टी पर लेक्चर देना और जो सिग्नल है ट्रैफिक के बारे में उनको बताना, ये सीट बेल्ट की इम्पोर्टेंस को बताना, हेलमेट की इम्पोर्टेंस को बताना, फिर उसके साथ ही साथ किस तरीके से रोड क्रॉस किया जाता है उसको बताना, बहुत सी चीज़ें हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आरटीओ ऑफिस के लोगों को कि यहाँ के रेडियस में जितने एक 2 किलोमीटर्स के रेडियस में जितने स्कूल है अगर उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे हम अगर जो ये बच्चे हैं ये बच्चों को अगर इनके अर्ली एजेस में ही हम रोड सेफ्टी एजुकेशन अगर दे देंगे तो ये आगे चलकर इनको सब मालूम रहेगा, उसके साथ वो रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस हो, मैं कहूँगा ट्रैफिक पुलिस आरटीए ऑफिस के लोग दोनों मिलकर अगर ये प्रोग्राम करेंगे तो अच्छा होगा. नहीं तो एमएलए साहब आए, फूल दे दिए, गुलदस्ता दे दिए, हम बैठे, दो लोग बोल दिए, आप सुन लिए, चले गए, प्रोग्राम करना था कर दिए, होना था हो गया, आना था आए, जाना था चले गए, खत्म. नहीं, ऐसे नहीं. इन प्रोग्रामों का कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए. इसलिए हालांकि मुझे जरूरी काम था, मेरी तबीयत भी आज जरा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आया यहाँ पर क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है. इम्पॉर्टेंट है कहूँगा रोड से. आप सोच रहे हो आप कि मुझे हैरत हुई देखकर कि कितने लोग यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं. तो अभी मैं देखा इसमें यहाँ पे सही है या नहीं, तो मैं सर्च कर रहा था तो इसमें दिए कि इंडिया में 2015 में देवर अबाउट 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया. 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स हुए 2015 में विच किल्ड अबाउट 1.5 लाख पीपल. मतलब 1.5 लाख लोग मरे हैं 2015 में. आप अंदाजा लगाइए, मुझे हैरत हो रही है, क्या इंसान के जान की कीमत नहीं है? अरे एक इंसान की जान जाती है तो उसके घर में किस तरीके से घर वालों को होता है, आप सोचिए ये क्या फिगर सही है. और इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं लोग. ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर तवज्जो देना चाहिए और हमको इसको कम करना होगा. अगर हम कम नहीं करेंगे तो बताइए आप 1.5 लाख लोग मर रहे हैं तो ये क्या है बताइए आप. तो हमारे पास भी ये जरूरी है इंसान की जान. और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज या बच्चों से कहूंगा या बैठे लोग से कहूंगा, कोई हेलमेट नहीं लगाते हैं, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, कोई तेज चलाते हैं,
ठीक है आहिस्ता आहिस्ता से सब हेलमेट लगाएंगे बोलकर हम तय करिए, हम सब सीट बेल्ट लगाएंगे, लेकिन आज की इस जो हमारा गैदरिंग है, हमारा इज्तिमा है, हम सब मिलके एक चीज आज तय कर लें, एटलीस्ट एक चीज। और वो एक चीज क्या होगी? वो ये होगी कि अगर हम गाड़ी में हैं, हमारे बड़े हमारे साथ हैं, बच्चों से कहूंगा कि अगर आपके वालिद साहब अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपके बड़े भाई गाड़ी चला रहे हैं, या जो भी गाड़ी चला रहे हैं आप गाड़ी में हैं, या अगर आप बस में हैं, स्कूल के बस में भी हैं, अगर आप पीछे से देखते हैं कि कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो सबसे पहले गाड़ी चलाने वाले से कहना कि साइड में आ जाओ पहले एम्बुलेंस को जाने की जगह। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम आज ये एक चीज तय कर ले कि आज यहां इस महफिल में जितने लोग हैं, जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज सुनेंगे, उसका सायरन सुनेंगे, देखेंगे, तो कुछ भी होने दो, हम सबसे पहले साइड में हट जाएंगे, चाहे राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, या रुक जाएंगे और सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने की जगह दें। अफसोस होता है, अफसोस होता है, बाद वक्त में देखता हूं कि लोग ठहरे।